अगर आपका सीलिंग फैन हाथ से घुमाने पर फ्री घूमता है और इसका स्विच ऑन करते ही जाम हो जाता है बिल्कुल इस तरह, तो आप इसे बड़े ही आसानी से घर में खुद इसे रिपेयर कर सकते हैं बगैर कोई एक्सपायर पार्ट्स लगाए हुए। कोई भी बिना पार्ट्स की मदद से आप खुद इसे घर में रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो फ़ैन है, इसे मैं हाथ से घुमाता हूँ तो घूमता है और पावर देता हूँ तो ये जाम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से इनकी इसकी कैपेसिटर वगैरह सब कुछ खोल लेना है और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे इस तरह की जो प्रॉब्लम है आप आसानी से इससे निजात पा सकते हैं खुद घर बैठे। कोई भी पार्ट्स बदले हुए, कोई भी कुछ बिना लगाए हुए आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे थोड़ा फास्ट करके मैं फ़ैन को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ैन को हम खोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है और एक चीज़ हम आपको दिखा देता है, ये जो कॉइल है देख सकते हैं इसी कॉइल में इसका प्रॉब्लम होता है। और ये कॉइल ये ऊपर की साइड है इसका, देख सकते हैं यहाँ पर एक वायरिंग है और यहाँ पर वायरिंग का जो जगह है उसी जगह जो होता है घिस जाता है, वायरिंग का जो जगह रहता है वो घिस जाता है। घिस जाने की वजह से यहाँ पर लूज पड़ जाता है और इसका ज़्यादातर लोज नीचे पड़ा है, नीचे इसका ये एक बेयरिंग है आप देख सकते हैं और ये बेयरिंग का शाफ्ट है जो ये बेयरिंग के अंदर घुसता है। तो ये घूमते घूमते क्या होता है घिस जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये फ्री और अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, लेकिन ये इस तरह से फ्री नहीं होना चाहिए, ये पूरा जाम होकर बैठना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो गैप है और ये देख सकते हैं बिल्कुल फ्री जा रहा है अंदर और फ्री बाहर आ रहा है, लेकिन ये इस तरह से फ्री होना नहीं चाहिए, इसको हमें जाम करना है। तो जाम करने के लिए हम यहाँ पर कुछ डाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ डालेंगे तो ये फ़ैन हमारा जो साइड ले लेगा, क्योंकि इसकी साइड में जो जगह बचता है एकदम सुई बराबर जगह बचता है, तो इसलिए हम इसके अंदर कुछ डाल नहीं सकते हैं। हमें इसको कटिंग करके, कट मार के यानी पंचिंग लगा के इसका साइज है थोड़ा मोटा कर लेना है और इसे जाम करके लगाना है। तो काट किस तरह से मारना है, सबसे पहले आपको कॉइल को निकाल लेना है और इसी तरह से रख देना है और आपको इस तरह से टैंकी और हथौड़े की मदद से थोड़ा थोड़ा कट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़ोर से नहीं मारना है, इस तरह से छोटा हैमर की मदद से आपको थोड़ा थोड़ा से एक साइड में इस तरह से तीन कट लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है वरना ये नहीं घुसेगा, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पंचिंग करेंगे या कट लगाएंगे तो इसका जो साइज़ है थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा और ये बेयरिंग के अंदर पूरा फिट होके आ जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है इस तरह की जो प्रॉब्लम होता है जैसे कि हम हाथ में हाथ से घुमाते हैं फ्री घूमता है और पावर देते हैं तो ये जाम हो जाता है, तो ये प्ले होने की वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कट लगा दिया है, आपको इस तरह से हल्का हल्का कट लगाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है वरना ये ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाएगा और ये फिर अंदर घुसने में तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा जाम होके जा रहा है, तो अभी हम थोड़ा ज़ोर लगा के इसको घुसाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा अंदर जा नहीं रहा है लेकिन ये बराबर आ चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा कट लगाना नहीं है, इस तरह से हल्का सा कट लगाना है और यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं इस तरह से थोड़ा ज़ोर से, तो अभी अंदर जाएगा और थोड़ा, और यहाँ पर अभी हैमर के मदद से हम इसको अंदर लेंगे क्योंकि इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा हो चुका है इसलिए ये ऐसे नहीं जाएगा। तो हैमर से आपको धीरे धीरे मारना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अंदर जा चुका है और अभी नीचे का साइड जो है हमारा हो चुका है, ऊपर का साइड हम ऊपर का ढक्कन लगा के देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर का साइड भी हमारा काफ़ी फ्री आ रहा है, यानी ये अगर फ्री घुस जाए मैंने अंदर बैठ जाए यानी मतलब इसका बेयरिंग का जो जगह है वो घिस चुका है, अगर ये घुसाने में आपको जोर लगे यानी सही है। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा थोड़ा हल्का कट लगाया, देख सकते हैं इस तरह से आपको हल्का कट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और अभी हम घुसा के देखेंगे ये जाम हुआ है कि नहीं, तो अभी भी नहीं हुआ है लेकिन इसकी जगह जो है थोड़ा ज़्यादा घिस चुका है तो और ज़्यादा हम थोड़ा कट लगाएंगे। तो इस तरह से आपको बारी बारी से कट लगा के देखना है और फिर ज़रूरत पड़े तो और मारना है, थोड़ा ज़ोर से मारना है, एक बार में ज़ोर से मारना नहीं है वरना ये आपको ढक्कन जो है फ़ैन जो है लगेगा नहीं अच्छी तरह से। तो अभी जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी पहले के मुकाबले टाइट हो चुका है, तो अभी इस फ़ैन को हम लगा देंगे और लगाने के बाद आपके सामने चला के इसको दिखाएंगे। और यहाँ पे कैपेसिटर का कनेक्शन हम आपको बता देते हैं किसी भी फ़ैन में कैपेसिटर किस तरह से लगाना है। तो ज़्यादातर फ़ैन में हमारा तीन कलर रहता है, रेड ब्लू और येलो, तो इसमें रेड ब्लू और ब्लैक दिया हुआ है, तो आप ब्लैक को ब्लू मान लो। तो हमेशा आपको कैपेसिटर ब्लू और येलो में लगाना है, अगर ब्लैक रहेगा तो ब्लैक और येलो में लगाना है, यानी कैपेसिटर आपको रेड में लगाना नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम रेड को छोड़ के बाकी दोनों में कैपेसिटर का कनेक्शन दे रहे हैं और आपका जो मेन लाइन होगा, मेन लाइन दो हमारा रहेगा,
तो मेन लाइन हमेशा रेड में लगेगा और ब्लू येलो में लगेगा, यानी ब्लैक और ब्लैक की जगह अगर ब्लू रहे तो ब्लू में लगाना नहीं है, ब्लैक में लगाना नहीं है, आपको रेड में और येलो में मेन लाइन लगाना है। तो यहाँ पर तीन नट की जगह दिया हुआ है तो हम बीच में रख देंगे ये ब्लैक वाला कनेक्शन, अगर ब्लू रहता है तो ब्लू वाला कनेक्शन, और ऊपर और नीचे लगा देंगे रेड वाला कनेक्शन, ताकि हमारा उस साइड में से मेन लाइन जो लगेगा वो रेड में और ब्लू में लगेगा। तो यहाँ पर हम ऊपर की साइड रेड वाला कनेक्शन लगा रहे हैं और अभी हम इसको आपके सामने चला के दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कनेक्शन दे दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रॉब्लम हमारा था स्विच देने के बाद जाम हो जाता था, ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो इस तरह से अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम है आपका फ़ैन अगर स्विच देते ही जाम हो जाए तो आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं घर बैठे खुद।